लोगों से मिलने ना देना है, दिस इज ऑल कंसिडर्ड जो है इमोशनल अब्यूज। और हमारे यहाँ जो है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ कल्चर, हम लोग जो है ये कहते हैं जी कि हमारा बच्चा जो है हम उसको ये नहीं करने दे सकते, वो नहीं करने दे सकते, और उसको जो है ना कॉन्स्टेंटली जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उसकी सेल्फ इस्टीम जो है इससे किस तरह से इफेक्ट हो रही है और इसके लॉन्ग टर्म जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और मैंने तो पेरेंट्स को, बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन पेरेंट्स को ये भी देखा है कि पब्लिक में बैठ के वो अपने बच्चे को ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं, बजाय ये बताएं कि हमारा बच्चा कितना अच्छा है उसकी बुराइयाँ गिना रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल इमोशनल अब्यूज़। उसके बाद निगलैक्ट आ जाएँ। निगलैक्ट क्या है कि आप अपने बच्चे को अटेंशन नहीं दे रहे। अब इसमें आ जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं, उनको मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपने बच्चों को निगलैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे पेरेंट्स हु हैव द रिसोर्सेज एंड वी डोंट पे अटेंशन टू आर चिल्ड्रन, वी आर एक्चुअली अब्यूजिंग आवर चिल्ड्रन। अब इसमें क्या आ जाता है कि आपने बच्चे जो है उसको खाना नहीं दे रहे, उसको कपड़े नहीं प्रॉपर दे रहे, मेडिकल हेल्प इज़ नॉट अवेलेबल टू द चाइल्ड, या आप आजकल का जो फैशन है कि सारी माएँ जो हैं वो सारा वक्त जो है वो फ़ोन पे रहती हैं या फिर वो जो है लैपटॉप पे रहती हैं, बच्चे जो है वो बेचारे जो है वो खेल रहे होते हैं, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द चिल्ड्रन, बट दे बिलीव दैट दे आर पेइंग अटेंशन टू द चिल्ड्रन बिकॉज फिजिकली दे आर देयर, बट एक्चुअली दे आर नॉट अवेलेबल टू द चाइल्ड इमोशनली। अगर बच्चा जो है वो आके उनको कुछ कह रहा है दे आर सेइंग जस्ट गो अवे और व्हाटएवर बिकॉज दे आर बिजी विद देयर ओन स्टफ, तो दैट इज निगलेक्ट। अब बच्चा जो है, अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके की अब्यूज़ की गई है, जस्ट वॉन्ट टू टॉक जनरली अबाउट कि वो बच्चा जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा और आपको क्या नज़र आएगा। बच्चे यूजुअली जो अब्यूज़ होते हैं दे बिकम रियली सोशली विदड्रॉन, और वो जो है उनके जो होते हैं दे डोंट वॉन्ट टू डू एक्टिविटीज़, दे डोंट वॉन्ट टू गो एंड सोशलाइज विद द फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है उनके बिहेवियर में जो है ना वो चेंजेस आ जाएंगे, समटाइम्स दे विल बिकम मोर अग्रेसिव या हाइपर एक्टिव जो है वो बच्चा हो गया है, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो गया, यू सी द चेंज इन द परफॉर्मेंस एंड देन यू नो दैट देर इज समथिंग गोइंग ऑन विद द चाइल्ड। इसके अलावा डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है, इस तरह के बच्चों में एंग्जाइटी हो जाती है, फियर्स हो जाते हैं। बच्चा जो सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी वेरी फियरफुल। इसी तरह अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियरली पेशेंट्स वो जो हैं पेरेंट जो हैं वो बच्चे को मार रहे हैं तो दे आर गोइंग टू बी वेरी स्केयर्ड, दे आर गोइंग टू बी स्केयर्ड ऑफ देयर पेरेंट्स एक्चुअली। इसी तरह से अगर आपको जैसे निगलैक्ट में है कि पेरेंट लैक ऑफ सुपरविजन है कि आपको नज़र आ रहा है कि बच्चा सड़कों पे फिर रहा है, इधर उधर फिर रहा है, कोई उसको देखने वाला ही नहीं है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, तो यू नो दैट देयर इज लैक ऑफ सुपरविजन देयर। इसके अलावा बच्चा जो है वो अगर स्कूल नहीं जा रहा, और अगर उसको अगर वो स्कूल में है तो वो स्कूल से आना नहीं चाहता, ही डजंट वॉन्ट टू कम होम बिकॉज ही स्केयर्ड टू बी होम बिकॉज ऑफ द अब्यूज़। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं कि वो बच्चा जो है ही इज़ गोइंग टू अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ जो है उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, फिजिकल साइंस इन सिम्टम्स में होगा कि अगर ब्रूजेज हैं, फ्रैक्चर्स हैं और बर्न्स वगैरह हैं, और आप जो हैं एक्चुअली वो जो भी उनको इंजरीज हो रही हैं उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वाई आर दे हैविंग दिस इंजरीज। पेरेंट्स जो है ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, तो उसको जो है आपको आपका जो है ना रेड फ्लैग जो होना चाहिए कि भाई समथिंग इज गोइंग ऑन हियर। सेक्सुअल अब्यूज़ जो है उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे, उसमें जो है सेक्सुअल बिहेवियर, बच्चा जो है आपको यूजुअली जो है ना उसकी बहुत ही नॉलेज होगी सेक्सुअल काइंड ऑफ स्टफ के लिए जो कि उसके लिए एज के लिए इनअप्रोप्रिएट है। तो एक तो उससे जो है ना आपको पता चल जाएगा दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड दे आर सेइंग थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली अप्रोप्रिएट फॉर देयर एज। इसके अलावा जो है अगर बच्चा जो है वो छोटे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल अंडरवेयर में जो है उनके ब्लड वगैरह लगा हुआ है, तो पेरेंट्स जो है उनको अटेंशन देनी चाहिए, वॉक कर रहे हैं उससे उनको पेन हो रही है, जेनिटल ऑर्गन जो है उनके अंदर पेनफुल हैं, तो पेरेंट्स शुड पे अटेंशन कि बच्चा जो है उसको क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब बड़ी थोड़े से हो जाएँ जहाँ पे प्रेगनेंसी की जाती है, तो जैसे प्रेगनेंसी हो गई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है वो डिजीजेज हो रही हैं बच्चे को, तो यू नीड टू पे अटेंशन कि बच्चा जो है व्हाई इज ही प्रेजेंटिंग लाइक दैट। और इस तरह के बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लर्न करते हैं बड़ों से, अगर वो सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं तो फिर उनमें टेंडेंसी होती है कि दूसरे बच्चों को अब्यूज़ करते हैं बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे डो, फॉर देम इट इज़ अ नॉर्मल थिंग टू डू, तो दैट इज़ अनदर इंडिकेशन। इमोशनल अब्यूज़ जो है उसमें जो बच्चे हैं वो यूजुअली जो है वो प्रेजेंट करेंगे कि वो अगेन सोशल विड्रॉल होगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो है वो होगा, डिप्रेशन बहुत कॉमन है,
बच्चा जो प्रेजेंट कर रहे हैं हेडेक्स के साथ, इसके अलावा सोमैटिक कंप्लेंट्स के साथ, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रही है, इस तरह की, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स वर्बली, या वो किस तरह से अपने पेरेंट्स को या किसी को बताएं कि समथिंग बैड इज हैपनिंग टू देम. सो दे यूजुअली दैट प्रेजेंट्स विद द सोमैटिक कंप्लेंट्स. इसी तरह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर स्कूल में है तो घर आना नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें जो है ना, यू नीड टू पे अटेंशन टू देम. निगलेक्ट जो है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे कि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, वेट जो नहीं है प्रॉपर, उसका हाइजीन वगैरह जो है वो बच्चे की बहुत पुअर है. मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो एक हमारी खातून थी, हमारे नेबर थे, उन्होंने एक किसी यतीम बच्चे को जो है ना अडॉप्ट कर लिया. अब वो बच्चा जो है यतीम खाने से आया तो इतना वो खाना खाता था कि वो मुझे, उन्होंने खातून ने बताया कि वो पूरे दिन का खाना जो है वो एक वक्त में खा जाता है, और वो कोक उसके लिए लेके आई तो बोतलों की बोतलें उसने जो है ना कोक की ख़त्म कर दी, बिकॉज ही वॉज निगलेक्टेड एंड ही डिड नॉट हैव दोज थिंग्स. सो इस तरह के बच्चे जो होते हैं फिर वो दे ईट अ लॉट एंड दे हैव टेंडेंसी टू स्टील. स्कूल में अगेन उनकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो पुअर होगी, और इस तरह के बच्चे जो हैं उनको फिर मेडिकल अटेंशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती, एंड यू नो दैट दे आर निगलेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. देर आर सम साइंस जिससे आप, अगर आप अपनी कम्युनिटी में भी देखें या जो कुछ भी देखें तो आपको पता चलेगा कि मे बी दिस पेरेंट इज अब्यूजिंग द चाइल्ड. देर आर सम साइंस वी कैन विच कैन लेट यू नो अबाउट दैट. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो बच्चा जो है उसमें पेरेंट को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कोई उसके लिए कंसर्न शो नहीं करता. अगर बच्चा जो है वो इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है, फिजिकली डिस्ट्रेस्ड है, जो कुछ भी बच्चे के साथ हो रहा है, पेरेंट जो है उसको कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा, तो उससे एक तो जो है ना आपको पता चल जाएगा. इसके अलावा जो है वो कंसिस्टेंटली, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे जो है कम्युनिटी में, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों के लोगों के सामने बैठ के बुराइयां करते हैं, अगर बच्चों को कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है, लोगों के सामने बिलिंग कर रहा है, उसको पुट डाउन कर रहा है, तो यू नो कि देयर इज समथिंग इज नॉट राइट इन दैट पिक्चर. इसी तरह से जो है अगर बच्चे को वर्थलेस कह रहा है, उसको गालियां दे रहा है या नाम दे रहा है, और अगर वो सीवियरली जो है ना बच्चे को जो है ना पनिश कर रहा है, फिजिकल पनिशमेंट, टीचर्स को कह रहा है कि इसको फिजिकली जो है बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए जो है वो पनिश करो, तो अगेन देयर इज समथिंग नॉट राइट विद दैट पिक्चर. इसी तरह से अगर एक और हमारी कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं सर्टन थिंग्स जो कि वो नहीं कर सकते. बच्चे जो होते हैं, हर बच्चा जो होता है उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसकी अपनी वीकनेसेस होती हैं. हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा जो है वो या तो डॉक्टर बन जाए या फिर लॉयर बन जाए. दोज आर द टू प्रोफेशंस वी हैव चोजन इन नॉर्थ अमेरिका. पाकिस्तान में वो था डॉक्टर और इंजीनियर. अब वो बच्चे की कैपेबिलिटी है या नहीं है, इट डजंट मैटर. पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और उस पर प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे के ऊपर कि यू डू दैट, ऑल दो के बच्चा जो है उसको इंटरेस्ट भी नहीं है और इसके अलावा जो है उसमें एबिलिटी भी नहीं है टू डू दैट. तो ये भी एक तरह की जो है ना अब्यूज़ है, और इस तरह के पेरेंट्स जो हैं दे आर एक्चुअली अब्यूजिंग देयर चिल्ड्रन. इसी तरह से बच्चों को जो आइसोलेट कर देते हैं कि अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, मिलने नहीं दे रहे, उनको सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं करने दे रहे, तो दिस इज ऑल लाइक गिव्स यू एन आइडिया वॉट काइंड ऑफ पेरेंट दैट इज. एंड कंट्रोलिंग होना बच्चों के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी ना देना कि वो खुद लर्न करें और डेवलप करें, दिस इज अ काइंड ऑफ अब्यूज. अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि अब्यूसिव होने के लिए? हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को अब्यूज करें. ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू बी गुड पेरेंट्स, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स में वल्नरेबिलिटी हो जाती है टू अब्यूज योर चिल्ड्रन. अब उसमें जो है ये आ जाता है कि अगर कोई पेरेंट जो है वो खुद अब्यूज हुआ है एज अ चाइल्ड या निगलेक्ट हुआ है, तो मोस्ट लाइकली दैट पर्सन इज मोर वल्नरेबल टू अब्यूज योर चिल्ड्रन. इसी तरह से अगर जो है अगर किसी पेरेंट को कोई मेंटल इलनेस है, जैसे अगर उसको डिप्रेशन है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, अगेन दे हैव मोर वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज योर चिल्ड्रन. फैमिली क्राइसिस वगैरह अगर हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं घर के अंदर और पेरेंट्स जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पेरेंटल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ज़्यादा वल्नरेबल कर देती हैं अब्यूज़ के लिए. डेवलपमेंटली जो डिलेड चिल्ड्रन हैं, अगर जैसे मेंटल रिटार्डेशन है या किसी भी वजह से बच्चा जो है वो मेंटली अगर कॉम्पिटेंट नहीं है या डिलेड है, तो अगेन इट इंक्रीजेज अ चांस ऑफ अब्यूज़. फाइनेंशियल स्ट्रेस है पेरेंट्स को, अनएम्प्लॉयमेंट है,
हमारे इन साउथ एशियन कल्चर्स देर इज अनदर प्रॉब्लम दैट पीपल आर सोशली आइसोलेटेड. हम वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में ये होता है कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, दे आर सपोर्टिव टू अस, दे हेल्प अस टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन. यहाँ पे हमारे पास वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं है जो कि अगेन वल्नरेबल कर देती है बच्चों को अब्यूज के लिए. सब्सटेंस यूज अगेन वेरी कॉमन स्पेशली इन सर्टन कम्युनिटीज. एल्कोहलिज्म और ड्रग यूज वगैरह जो है अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो अगेन दिस किड्स आर वल्नरेबल टू अब्यूज देम व्हेन दे आर ड्रंक और व्हाटएवर दे आर गोइंग टू अब्यूज द चिल्ड्रन. सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज, कि अगर आप बच्चों को चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं तो बच्चा जो है वो किस तरह से उससे इफेक्ट होगा. अब मुझे ये पता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो आई कैन गो ओवर द डिटेल्स. आई विश आई हैड मोर टाइम एंड देन आई कुड हैव गॉन ओवर द डिटेल्स, बट आई विल गो ब्रीफली ओवर सम ऑफ द स्टफ. फिजिकल जो इश्यूज हैं उनमें ये है कि एक अगर आप सीवियर अब्यूज है उसमें बच्चे की डेथ हो सकती है, जैसे अभी वो आसफा की एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि बच्चे जो हैं उनकी फॉर एग्जाम्पल हेड इंजरी वगैरह हो गई, उसको बुरी तरह से बच्चे को मार दिया तो उसमें डेथ जो है उसकी पॉसिबिलिटी है. लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है वो बच्चों में हो जाती हैं इस तरह के, और फिजिकल डिसेबिलिटीज हो जाती हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दैट टू यू कि बाज़ अवक़ात हमारे पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि बच्चे को ज़ोर ज़ोर से शेक करते हैं, एंड आई हैव सीन दैट मायसेल्फ एक्चुअली, कि बच्चे को ज़ोर ज़ोर से शेक किया जा रहा है और ये समझते हैं कि जी बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज़ कि वो ब्रेन जो होता है वो आपके हेड के अंदर मूव कर रहा होता है जब आप उसको शेक कर रहे होते हैं, तो बच्चा जो है उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से, और उसकी वजह से फिर उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, ADHD अटेंशन डेफिसिट जो है वो हो सकता है. और इस तरह के बच्चे जो होते हैं ना उनमें टेंडेंसी होती है ड्रग्स और अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करने की, क्योंकि वो जो भी उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस रहा है दे आर ट्राइंग टू कोप विद दैट. बिहेवियरल इश्यूज जो हैं वो कॉमन है इन बच्चों के अंदर जिनको कि सेक्सुअली या फिजिकली या मेंटली जो है अब्यूज़ किया जाता है. एक तो इन्हें टेंडेंसी होती है कि ये दूसरों को अब्यूज़ करते हैं बिकॉज दिस इज व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट एंड दे डोंट नो एनीथिंग डिफरेंट. इसके अलावा विड्रॉल, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्पेशली जो सेक्सुअली अब्यूज्ड लड़कियाँ हैं जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि दे हैव टेंडेंसी टू हर्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को दे कट देमसेल्व्स या ओवर डोजेज ले रही हैं या जो भी कर रही हैं, तो सुसाइडल अटैम्प्ट वगैरह जो होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं. हाई जो है वो क्या कहते हैं, अगेन बच्चे जो कि सेक्सुअली औरतें स्पेशली लड़कियाँ जो बच्चियाँ जो सेक्सुअली अब्यूज होती हैं इधर दे बिकम रियली सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस. अगेन आई हैव सीन लॉट ऑफ वुमेन इन माय प्रैक्टिस हु बिकम प्रोस्टिट्यूट्स बिकॉज दे वर सेक्सुअली अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड, और वो ये समझती हैं कि दिस इज अ वे फॉर देम टू गेट अटेंशन, और या यही खाली एक तरीका है जिससे कि उनको अटेंशन पे की जाएगी, एंड देयर सेल्फ इस्टीम इज एक्सट्रीमली लो, सो इट लीड्स टू दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स. प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्कूल में, दीज किड्स डोंट हैव सोशल एंड रिलेशनशिप स्किल्स. इमोशनल इश्यूज जो हैं अगेन आर वेरी कॉमन. आई थिंक आफ्टर 4 o'clock व्हेन यू हैव द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन why there are problems with low self-esteem and establishing relationships. We don't have time right now. लेकिन ये बच्चे जो हैं क्योंकि उनको constantly put down किया जाता है, उनकी जो body की boundaries हैं उनको जो है damage किया जाता है by sexually abusing them, तो ये बच्चे जो होते हैं कि self-esteem जो होती है वो बहुत ही low होती है. They feel guilty, they blame themselves, they think कि उन्होंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से उनको abuse किया जा रहा है, and they take responsibility for that. So that leads to them having a lot of self-esteem issues. इसके अलावा आप ये सोचिए कि जो माँ बाप होते हैं दे आर द पीपल, या माँ बाप या जो भी आपके केयर गिवर हैं जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है, हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू, और अगर वही इंसान जो है उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर दे और आपको बिट्रे कर दे तो हाउ वुड इट इफेक्ट यू, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो लॉन्ग टर्म में दे नेवर डेवलप हेल्थी रिलेशनशिप्स, दे आर इन एंड आउट ऑफ रिलेशनशिप्स क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते उसके बाद. मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं इन लोगों के अंदर कॉमन होते हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं बिकॉज देयर बॉडी इमेज इज बैड, बिकॉज देयर सेल्फ इस्टीम इज रियली लो. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन, अगेन आई कैन गो इन टू डिटेल्स. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्लीप डिस्टर्बेंसेज, ये सब जो है इन बच्चों के अंदर वेरी कॉमन होती हैं. आप जो हैं एज अ पेरेंट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अब्यूज़ जो है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आप जो है आपका रिलेशनशिप है अपने बच्चे के साथ,
आपका रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ जो है ट्रस्ट और लव का रिलेशनशिप होना चाहिए. आपके बच्चे में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके साथ हर बात आके कर सके और इसके अलावा वो कंफर्टेबल फील करे जब वो आपके साथ बात करे, कि वो अपने पेरेंट को जब कोई बात बताएगा तो उसका पेरेंट जो है उसके साथ गुस्सा नहीं करेगा या नाराज नहीं होगा, या दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस एंगर, दैट दे आर गोइंग टू बी सपोर्टिव टुवर्ड्स दैट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऐसा रिलेशनशिप जो है वो अपने बच्चे के साथ होना चाहिए. जैसे कि वो वीडियो में उसकी माँ को दिखाया कि वो माँ जो थी उसने हस्बैंड को भी कहा कि तुम जो करना है करो, माय चाइल्ड आई वांट टू प्रोटेक्ट माय चाइल्ड. थिंक सुपरविजन, और जो भी आपका केयर गिवर है फाइंड आउट हु दिस केयर गिवर इज, चाहे वो चाचा है, मामा है, ये जो भी है, यू नीड टू नो दैट पर्सन बिफोर यू गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड. और अपने बच्चे को नो कहना सिखाएं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे कल्चर में अगर बच्चे किसी बात पर नो कहते हैं ना तो हम कहते हैं बड़ा ख़राब बच्चा है, देखो जी जवाब दे रहा है, देखो जी ये नो कह रहा है हमें. लेकिन अगर आप बच्चों को नो कहना नहीं सिखाएंगे तो बच्चे जो है वो कभी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं करेंगे. उनको यही नहीं पता चलेगा कि उनकी अपनी फीलिंग्स क्या है, उनके अपने इमोशंस क्या है, एज अ पर्सन हु दे आर. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चे को नो कहना सिखाएं. और अगर कोई इनको टच करता है इनअप्रोप्रिएटली या गलत बात कहते हैं, दे शुड बी एबल टू से नो टू देम. और उनको इसके अलावा जो है उनको आप ये भी ऑनलाइन वगैरह जो है आजकल बहुत ज़्यादा सेफ्टी के कंसर्न्स हैं, और मुझे येलो किस्म की एक झंडी दिखा दी गई है तो आई कैन टॉक इन डिटेल, सो आई लीव दैट पार्ट. एक चीज़ जो है वो आई डू वॉन्ट टू गो ओवर दैट इज कि अगर कोई आपको ये है कि आप अपने बच्चों को अब्यूज़ कर सकते हैं तो उसमें सीक हेल्प फॉर दैट. बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं पेरेंट्स जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो खुद उनको फिजिकली अब्यूज़ किया गया है या वर्बली अब्यूज़ किया गया है, दे डोंट नो एनी थिंग डिफरेंट, तो आप जाइए और जाके उसके लिए काउंसलिंग लीजिए. अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए देर आर एंगर मैनेजमेंट क्लासेज विच आर अवेलेबल. If you don't know how to discipline your child, there are parenting classes available. हर शहर के अंदर एक family services है जहाँ पे, जैसे बनेबी में बनेबी family services है जहाँ पे parenting classes जो है वो offer की जाती हैं. Go and get the parenting classes. अगर आपको problem है drugs and alcohol use कर रहे हैं, again there are counseling services available for that too. So get the help you need. और अपने बच्चे जो हैं उनको आप अगर जब